This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हैकर्स आपकी एक आईपी एड्रेस से आपका पता लगा सकते हैं और आपका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि लोकेशन हो गया, ब्राउजर, ISP और भी बहुत कुछ। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से किसी की भी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आईपी लॉगर टूल के बारे में। आईपी लॉगर एक टूल है जो एक स्पेसिफिक आईपी पते की जियोग्राफिक पोजीशन का पता लगाता है, ट्रैक करता है। ये कंट्री, सिटी और ISP को निर्धारित करने के लिए विभिन्न डेटाबेस और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजीज का उपयोग करता है और कभी कभी जो है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जैसे अधिक प्रिसाइज डेटा का उपयोग करता है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका यूज किस तरह से लिया जाता है और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि हम इस अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक पूरा देखना, आप लोगों को काफी कुछ मदद मिलेगी इस वीडियो से और फ्यूचर में आप इस अटैक से भी बच सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आईपी लॉगर टूल ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक URL भी सेट किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा जो है YouTube चैनल का URL है और इस टूल ने यहाँ पर मैंने कहीं और एक URL क्रिएट करके दिया है जो कि हमें विक्टिम को सेंड करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस URL को हमें विक्टिम को सेंड करना है और विक्टिम जैसे क्लिक करेगा तो वो ओरिजिनल URL यानी कि इस URL पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इस URL को यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ जो कि इस टूल ने मेरे को प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए IPlogger.com नाम से, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डोमेन नेम है। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी डोमेन नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे YIP.SU इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर एक्सटेंशन के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन के ऑप्शन में यहाँ पे आप लोगों को काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि .gif, .jpg, .jpeg, .png। यहाँ पर इमेज के नाम से भी ये URL क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो पहले URL सेट किया है वो फिजिकल मेरे चैनल का है। यहाँ पर मैं यहाँ पे इस URL को यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे बना देता हूँ और सेट कर दूंगा MP4। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं एंड यहाँ पर जो हमारा ये जो URL है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से यहाँ पर URL चेंज हो चुका है। अभी मैं इस URL को विक्टिम को सेंड कर सकता हूँ। तो उसके लिए पहले हमें इसको ऑन करना होगा। यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कलेक्ट स्मार्ट डेटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको एनेबल कर देते हैं। ये बेसिकली जो विक्टिम की इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर लेगा। कंसेंट कलेक्शन, इसको भी हम लोग एनेबल करेंगे। कलेक्ट GPS डेटा यानी कि इसके लेवल, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। और फॉरवर्ड, गेट पैरामीटर्स, उसके सारे पैरामीटर्स जो हैं तो यहाँ पे हम लोग मिल जाएंगे। डेस्टिनेशन प्रीव्यू, इसको भी हम लोग यहाँ पे एनेबल कर देते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो URL है वो रेडी है विक्टिम को भेजने के लिए। तो फिलहाल हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम लोग इस पे न्यू विंडो पे ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं पेस्ट एंड गो कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन परमिशन का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने URL सेट किया था वो यहाँ पे URL ओपन हो चुका है। ये मेरे ओरिजिनल URL पर रिडायरेक्ट हो चुका है जो कि मेरे YouTube चैनल का था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर YouTube ओपन हो चुका है। तो अभी हम लोग आईपी लॉगर टूल में जाएंगे और देखेंगे कि विक्टिम का यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर विक्टिम का इन्फॉर्मेशन आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेट एंड टाइम यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे किस डेट पे किस टाइम पे यहाँ पर इस लिंक को ओपन किया गया है और यहाँ पर उसका IP एड्रेस भी है और उसका ISP क्या है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी और यहाँ पे वो विक्टिम किस कंट्री का है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस में हमें यहाँ पर लिनक्स और फायरफॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि
वो विक्टिम जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है एंड यहाँ पर इस विक्टिम ने वो जो लिंक है जो हमने भेजा था वो यहाँ पे उसने फायरफॉक्स ब्राउजर पे ओपन किया है, उसकी भी यहाँ पर डिटेल्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसका कंट्री और सिटी। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्रेशिंग पेजेस के ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को नीचे लिंक दिख जाएगा जो लिंक हमने विक्टिम को भेजा था। एंड यहाँ पर डिवाइस आइडेंटिफिकेटर में यहाँ पर पूरा यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन है। तो फिलहाल हम लोग मोर इन्फो पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं स्मार्ट डेटा पे एंड यहाँ पर उस पर काफी सारे इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं विक्टिम का यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन आ चुका है हमारे पास एंड यहाँ पे उसका डेट आ चुका है, उसका पब्लिक आईपी एड्रेस, किस ब्राउजर पे इस लिंक ओपन किया गया, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ISP क्या है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उसका यूजर एजेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंट्री क्या है, सिटी क्या है, यहाँ पे स्टेट क्या है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर रेफरल में वो लिंक आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे जो विक्टिम ने ओपन किया था एंड यहाँ पर उसका लेटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों विक्टिम की यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शो बॉट्स यानी कि ये बॉट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। दोस्तों अगर आप सेफ्टी के लिए इस लिंक को टॉर ब्राउजर में ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे टॉर ब्राउजर भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक इमेज ढूंढूंगा जो कि कौन सा भी फोन का भी मॉडल, कौन सा भी एक फोन का, यहाँ पर मैं आईफोन का यहाँ पे इमेजेस ढूंढूंगा। तो यहाँ पे मैंने किया आईफोन एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम इमेजेस में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक URL सेट करूंगा जो कि इमेज का होगा, यहाँ पर मैं कौन सा भी एक यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसका लिंक जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। मैंने यहाँ पर इस लिंक को कॉपी कर दिया एंड यहाँ पर मैं आईपी लॉगर टूल में जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं इसको क्रिएट शॉर्ट लिंक पे क्लिक करूंगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा हमारा ओरिजिनल URL जो कि हमने अभी अभी आईफोन का इमेज यहाँ पे कॉपी कर लिया था उसका लिंक है। तो यहाँ पर मैं इसको कस्टमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इसका डोमेन नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पर कौन सा भी एक डोमेन नेम सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन पे .png के नाम से सेव कर लेंगे, इसको सेव कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस लिंक को यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको एनेबल कर देते हैं कलेक्ट स्मार्ट डेटा कलेक्ट स्मार्ट डेटा कंसेंट कलेक्शन कलेक्ट GPS डेटा फॉरवर्ड गेट पैरामीटर्स डेस्टिनेशन प्रीव्यू, यहाँ पर हमने सभी को ऑन कर लिया। दोस्तों अभी मैं इस लिंक को यहाँ पे विक्टिम को भेज दूंगा, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर लूँ एंड एंटर प्रेस करूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी लोकेशन परमिशन अलाउ करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, हम लोग इसको अलाउ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों जो हमने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर आ चुका है, वो जो लिंक है वो यहाँ पे ओरिजिनल URL पे रिडायरेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अटैकर के मशीन में यहाँ पे अटैकर के टूल में जाकर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है। इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर उसका टाइम डेट यहाँ पे आ चुका है, उसका IP यहाँ पर आ चुका है, कौन से कंट्री का है, सिटी कौन से है वो यहाँ पर आ चुका है, डिवाइस का इन्फो आ चुका है एंड यहाँ पर हम लोग इस पे स्मार्ट डेटा पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए दोस्तों विक्टिम की यहाँ पर काफी सारे हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, डेट टाइम, उसकी IP क्या है, ब्राउजर कौन सा है, प्लेटफॉर्म क्या है, ISP क्या है, यूजर एजेंट, कंट्री, सिटी, यहाँ पर उसकी पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने दिखाया आप लोगों को कि अटैकर किस तरह से आपका लोकेशन आपके IP एड्रेस की मदद से आपको ट्रेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशंस की यानी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो सबसे पहला सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप किसी भी ऐसे अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, और क्लिक करते भी हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक से दो तीन सेटिंग्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने आइडेंटिटी छुपा सकते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर एक्सटेंशन पे आ जाइए यहाँ पे एंड यहाँ पर जो है आपको दो एक्सटेंशन जो है वो ऐड करना है फायरफॉक्स के अंदर जो कि है यूजर एजेंट स्विचर एंड मैनेजर,
और कौन सा भी आप VPN यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। VPN अगर आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे IP चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका लोकेशन, तो वो दोनों हाइड हो जाएंगे। और दूसरा जो एक्सटेंशन है यूजर एजेंट स्विचर है मैनेजर, इसके हद से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और अपने ब्राउजर का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपना VPN ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको एनेबल किया और यूजर एजेंट स्विचर एंड मैनेजर इसको भी यहाँ पर मैंने एनेबल कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन में गया, तो मैं यहाँ पे कौन सा भी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर VPN सिलेक्ट कर दिया। अभी हम लोग जाएंगे यूजर एजेंट स्विचर एंड मैनेजर, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर कौन सा भी ब्राउजर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एज है, विवाल्डी है, तो यहाँ पर आप कौन सा भी एक ब्राउजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन सा भी एक ब्राउजर सिलेक्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉइड के ऑप्शन में आप लोगों को काफी सारे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से मिल जाएंगे। लिनक्स है, मैकओएस है, विंडोज है, क्रोमियम ओएस है, उबंटू है, डेबियन है, एंड्रॉइड है, तो आप कौन सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे iOS सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको क्रोम ब्राउजर के और iOS के वर्जन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैं कौन सा भी सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा VPN भी यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अभी हम लोग इस लिंक को जो है वो यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर ये लोकेशन परमिशन का ऑप्शन फिर से आ चुका है, मैंने इसको अलाउ कर दिया है। और अभी जो है ये लिंक जो है वो ओरिजिनल URL पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिस इमेज का हमने URL कॉपी किया था वो इमेज यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग अटैक करके टूल में जाकर देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइम और डेट दिखा रहा है, जिस टाइम पे किस डेट पे यहाँ पर इस लिंक को ओपन किया गया था। एंड यहाँ पर उसका पब्लिक IP एड्रेस क्या है, कौन से कंट्री या सिटी का है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डिवाइस कौन सा है, कौन सा ब्राउजर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी काफी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी बार आपने उस लिंक को क्लिक किया है, उसका भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 बार लिंक से यहाँ पे क्लिक किए थे, तो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सेट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर iOS की काफी सारे इन्फॉर्मेशन आ चुके हैं। यहाँ पे स्क्रीन का साइज क्या है, यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन आ चुका है, गूगल पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पर कुकीज एनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, डार्क मोड क्या एनेबल है या डिसेबल है, यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है, लोकल स्टोरेज है कि नहीं है, ऑफसेट, ओपन डेटाबेस। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो सेट किया है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप लोग किसी भी हैकर को चकमा दे सकते हैं। यहाँ पे जो लोकेशन है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में दिखा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पर अटैकर को यहाँ पर काफी सारी जो कि उसने सेट किया था वही इन्फॉर्मेशन मिली है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन सा कंट्री है, टाइम जोन क्या है, वो यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे कौन सा कंट्री है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, उसका लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमने सेट किया था वही यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों इस तरह से आप लोग जो है इस तरह के लिंक से, इस तरह से अटैक से बच सकते हैं, इस तरह से आप किसी भी अटैकर को चकमा दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है ये टूल वर्क करता है और इस तरह से हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और वो भी सिर्फ एक IP एड्रेस से। तो एक IP एड्रेस की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को डेमो भी दिखाया कि एक IP एड्रेस से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो यहाँ पर उसके एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है और अटैकर को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस IP से रिलेटेड। तो यहाँ पर अटैकर कुछ भी कर सकता है आपके डेटा को, यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो डाउनलोड करके स्टोर भी करके रख सकता है।
ऐसे दोस्तों, अगर आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो उस लिंक को पहले स्कैन कर दीजिए। अगर आप लोग लिंक को स्कैन करना नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप वेबसाइट की मदद से किसी भी लिंक को स्कैन कर सकते हैं और उसको पता लगा सकते हैं कि वो फिशिंग है कि नहीं है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप किसी लिंक को क्लिक करते भी हैं तो आप लिंक करने से पहले आप अपना VPN जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि उसकी मदद से आपका IP एड्रेस छुपा रहता है और आपकी लोकेशन भी छुपी रहती है। एंड यहाँ पर आप लोगों को मैंने दिखाया है, यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में आप यहाँ पे आप लोग इसका ब्राउजर चेंज कर सकते हैं और डिवाइस चेंज कर सकते हैं, ताकि जो भी आप इस पर सेट करेंगे तो लिंक पर क्लिक करते ही अटैकर के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। एंड अगर दोस्तों आप अगर टॉर ब्राउजर भी यूज करते हैं, अगर आप टॉर ब्राउजर के थ्रू भी इस लिंक को एक्सेस कर लेते हो तो यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पे ये टूल जो है वो टॉर ब्राउजर को भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने टॉर ब्राउजर में इस लिंक को ओपन किया है बोल के। तो इस तरह से अटैकर जो है इस टूल का यूज ले सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैंने IP लॉगर से दिखाया आप लोगों को किस तरह से आप लोग किसी के भी IP एड्रेस से उसका लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि किस तरह से जो है वो हैकर आपके लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को भी एंड करता हूं और आई होप आप लोग ये जान गए होंगे किस तरह से हैकर जो है आपके लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं एक IP एड्रेस की मदद से। तो आज के लिए बस इतना, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादातर लोगों को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल को जुड़े रहें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ऐसे ही एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। Audio Jungle.